नमस्कार दोस्त, ऐसे होने चाहिए जो आपसे डिस्कस करें ये बातें। हर इंसान के जीवन में फ्रेंड्स होते हैं, यार होते हैं, दोस्त होते हैं। अच्छी बात होने चाहिए। आपकी लाइफ में भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं, कोई बात होने चाहिए। लेकिन क्या आपके फ्रेंड्स में ये क्वालिटीज हैं जो आपसे ये डिस्कस करें? ऐसे फ्रेंड्स आपकी लाइफ में होने बहुत जरूरी है। बहुत से जनों की लाइफ में तो ऐसे फ्रेंड नहीं है, और बहुत से लोगों की लाइफ में फ्रेंड है, तो मुश्किल से एक या दो फ्रेंड ऐसे होंगे ना जो आपसे ये डिस्कस करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या डिस्कस करना चाहिए आपको फ्रेंड से, आप दोनों को एक दूसरे से। तो वही असली फ्रेंड होते हैं, और वो क्या चीजें हैं ये देखिए। आपके फ्रेंड्स आपसे डिस्कस करें आपकी फैमिली के बारे में, आप भी उनकी फैमिली के बारे में डिस्कस करो, और वो भी आपकी फैमिली के बारे में डिस्कस करें। डिस्कस यही करें कि अपने परिवार की बातें बताएं कि क्या चल रहा है आपके परिवार में, क्या चल रहे हैं, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसे, अच्छी है, बढ़िया है, आनंद में है। ऐसी प्रेम भरी बातें करें। इससे करने से क्या होता है, आपके मन का बोझ हल्का होता है, और एक दूसरे के रिश्ते में बॉन्डिंग बढ़ती है। परिवार की बातें करते हैं ना फ्रेंड्स, जब एक दूसरे का बोझ हल्का भी होता है और बॉन्डिंग भी बढ़ती है। तो ऐसी बातें भी होनी चाहिए कि आपके फ्रेंड्स आपकी फैमिली के बारे में जाने, और आप भी उनकी फैमिली के बारे में जाने। फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, सामने वाला फ्रेंड भी उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, और आप भी अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करें। इससे क्या होगा, दोनों को विचार मिलेंगे। अगर चार फ्रेंड और चार बैठ के बिजनेस की बातें करेंगे, तो कोई ना कोई नया आइडिया आपको बताएगा, कोई ना कोई आपके बिजनेस में आपकी वीकनेस बताएगा, कोई ना कोई फ्रेंड आपके बिजनेस में आपकी स्ट्रोंगनेस बताएगा। तो ये डिस्कस करने से आपका बिजनेस बढ़ता है, और एक दूसरे फ्रेंड को सपोर्ट मिलता है कि मान लो आपके बिजनेस में कभी ऊपर नीचे हो गया, तो दूसरा फ्रेंड आपको सपोर्ट करें। क्यों करेगा? क्योंकि वो आपके बिजनेस का मॉडल को पूरी तरह जानता है। वरना ऐसा फ्रेंड कोई आपकी मदद नहीं करेगा जिसको आपके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है, वो आपकी मदद क्यों करेगा? तो फ्रेंड्स को आप एक दूसरे को बिजनेस के बारे में डिस्कस करें, ऐसे होने चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करें। आप अपने फ्रेंड्स के बात पास बैठे हो, तो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें, आपको सेल्फ डेवलप करें। आप भी उनको मोटिवेट करो, वो भी आपको मोटिवेट करें। ये बातें, मोटिवेशन की बातें, सेल्फ डेवलपमेंट की बातें ऐसी होनी चाहिए जो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करें। ये नहीं कि आप किसी फ्रेंड के पास बैठो और वो नेगेटिव बातें करता है, हमेशा रोता रहता है, हमेशा निराशा उदासी में, और उसके पास हमेशा नेगेटिव की ही बातें हो, कभी वो पॉजिटिव सोच वाला न हो। तो ऐसे फ्रेंड के साथ कभी न रहे। ऐसे फ्रेंड के साथ रहे जो आपसे मोटिवेट की बातें करें, आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बातें करें। ऐसे फ्रेंड के पास रहें जो आपसे योग, जिम, डाइट और हेल्थ के बारे में बात करें। जब आप चार दोस्त बैठे हो ना, तो बात करते हो अपने हेल्थ की। कोई योग की बात कर रहा है, कोई डाइट की बात कर रहा है, इससे क्या होता है, इससे आपका सेल्फ डेवलपमेंट बढ़ता है। अगर आपकी कोई डिजीज़ है और आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, तो आपका फ्रेंड कोई अच्छा एडवाइस आपको देगा, और वही एडवाइस आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। तो फ्रेंड ऐसे हो कि वो डिस्कस करे आपसे योग के बारे में, डाइट के बारे में, और आपकी हेल्थ के बारे में, और आप भी उनसे यही डिस्कस करें। फ्रेंड ऐसे हो जो आपकी मन की बातें एक दूसरे से डिस्कस करें। कहते हैं ना कि मन का गुब्बार भी निकालना जरूरी है। अगर आप मन का गुब्बार नहीं निकालते हो, तो अंदर ही अंदर मन का गुब्बार फूटता है, और एक दिन इतना फूटता है कि चारों तरफ तबाही लाता है। तो फ्रेंड ऐसे होने चाहिए जो आप उनसे मन की बातें कर सकें, और वो भी आपसे मन की बातें। तो फ्रेंड ऐसे हो जिससे आप ये बातें डिस्कस कर सके।
इनसे क्या होगा, आपका सेल्फ डेवलपमेंट होगा और आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। और आपको किसी भी वक्त किसी भी समय जरूरत पड़ी तो आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट करेंगे।